कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल जय टेक हेल्प में। आज हम पावर पॉइंट के अंदर इस प्रकार से एक 3D लोगो बनाएंगे एनके के नाम से, ठीक है? जैसे आपको दिख रहा है वैसा वैसा हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट ओपन कर लेना है, उसके बाद में ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको क्या करना है, कंट्रोल ए करके इसको बैक कर देते हैं, यानी बैक स्पेस बटन आपको प्रेस कर लें। अब हमें यहाँ पे एन प्रेस करना है, यानी एन को बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना होगा और शेप के ऊपर क्लिक करना होगा। शेप में जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो फ्री फॉर्म आपको मिलेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे ऊपर भी मिल जाएगा आप दोनों। तो आपको यहाँ से इसको क्लिक करना है। अब हमें एन को एक डिजाइन करना है, फिर के को करना। तो सबसे पहले एन को कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से डिजाइन करना, ठीक है, आपके पेज के हिसाब से। तो मैं लगभग इसको यहाँ से बनाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्री फॉर्म को ना माउस को दबा के नहीं रखना है, लेफ्ट वाला बटन दबा के नहीं रखना है आपको, एक जगह क्लिक करके आपको छोड़ देना है। एक जगह पॉइंट बना दिया, देखो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट बना दिया ये वाला, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लगभग मेरे को पॉइंट बनाना है यहाँ पे दूसरा पॉइंट। तो मैं लगभग दूसरा पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे पॉइंट बन गया। तो माउस को फ्री रखना है। अब शिफ्ट की सहायता से ये वाली लाइन हमको क्या करना है, बड़ी बनानी, एकदम सीधी बनानी है। तो वो शिफ्ट की सहायता से बनेगी। इस प्रकार से आप क्या करना है, शिफ्ट को दबा दबा के बार बार इनको कर लेना है इस प्रकार से। अब हमें इसको भी शिफ्ट को दबा के इसको एकदम पूरा सीधा लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें वो वाली लाइन एकदम पूरी प्रॉपर लेनी है कि वहां से हम जब बनाए ये वाला जो इलाका ऊपर वाला, तो वो पूरा मिक्स होना चाहिए वहां से। ये बीच वाली लाइन थोड़ी सी पतली रहेगी और दोनों बार वाली लाइन की थोड़ी मोटी रहेगी लाइन, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें वहां से देख क्लिक कर दिया। अब हमने वापस शिफ्ट की सहायता से इसको बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से, और इसको भी शिफ्ट की सहायता से लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे आगे इसको छोड़ेंगे। ये नीचे वाली लाइन थोड़ी छोटी है, इसको भी बड़ा कर लेंगे शिफ्ट की सहायता से। इस लाइन को बड़ा कर लो और इसको ऊपर की साइड एकदम फिर से बना दो। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मिक्स होना चाहिए पूरा पूरा, देख सकते हैं एक बार, जो पॉइंट है वो पॉइंट ऊपर मिलना चाहिए इस प्रकार से, तब जाके आपका एन पूरा डिजाइन होगा। अब हमारा एन तो पूरा डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें के बनाना है। तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है, वापस फ्री फॉर्म लेना है। अब हमें के डिजाइन करना है। तो के डिजाइन करने के लिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस प्रकार से। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि कैसा लेना है और कैसा नहीं लेना है। इसके अंदर कोई साइज की कोई वैल्यू नहीं है, आप वैसे मत सोचना कि साइज की वैल्यू होगी और होगी, तो आप अपने हिसाब से रख लेना। तो थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि एन वाली जो लाइन है वो उसके प्रॉपर थोड़ा सा अगर आ जाए ना तो अच्छा लगेगा। अब ये तो यहाँ तक आ गई है, अब हमें के को स्विच में बनाना है इस प्रकार से। इसको यहाँ पे ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कर देते हैं। अब हमारे इस प्रकार से ये बनता है। अब आप सोचो कि के कैसे बनेगा, तो के ऐसे बनेगा क्योंकि हम इसको यहाँ पे रख देंगे एन को इस प्रकार से, और इसको फॉर्मेट में जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ये वाला ना सेंड टू पेपर, इसके ऊपर ये वाला प्रेस कर देंगे तो एन इसके पीछे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एन के नाम डिजाइन करना। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस से जाना है इंसर्ट में, यहाँ पे शेप में आना है, यहाँ से आपको डू नॉट हटाना है, ठीक है, ये वाला डू नॉट आपको उठा लेना है। अब इसको क्या करना है, शिफ्ट की सहायता से इसको बना लो इतना सा। ये बनाने के बीच वाली येलो पॉइंट है, इसको अंदर की साइड खींच लीजिए, लगभग इतना खींच लीजिए इसको। अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा साइज थोड़ा और छोटा करते हैं। अब हमें फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट शेप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेवेल है, ये वाला छोड़ दो, 3D रोटेशन में आओगे तो हमको ये वाली इसकी स्टाइल लेनी है, ये वाली, ठीक है। इसको थोड़ा अंदर की साइड कर दो और इसको रोटेट करना है, थोड़ा घुमाना है आपको ऊपर की साइड लेना है इस प्रकार से, इसको देना है और इसको पूरा यहाँ पे सेट कर देना है। अब हमें क्या करना है, एन का कलर देना है। पहले एन का कलर सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, बाल्टी पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसका ब्लैक कलर लेते हैं और आउटलाइन भी ब्लैक लेते हैं, और केक है, केक का भी हम यहाँ से रेड लेते हैं और आउटलाइन भी रेड लेते हैं, ये हमने ले। अब हमें क्या करना है, एन और के को दोनों को सिलेक्ट करना है, यानी अब क्या करना है, पहले के ऊपर क्लिक कर देना, फिर शिफ्ट को दबा के रखना और एन के ऊपर क्लिक कर देना, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, शेप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, 3D रोटेशन के ऊपर आना है, 3D रोटेशन इसके ऊपर आप जब आते हो तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3D रोटेशन आता है, यहाँ पे आप रोटेशन यहाँ पे दे सकते हो और 3D फॉर्मेट है, 3D फॉर्मेट की बारे आने के बाद हमें यहाँ से बेवेल लेना है, सर्किल लेना है। तो हमारा जो नाम है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, इस प्रकार से आपको ये लेना है। अब हम वापस से वे कर देते हैं क्योंकि इन कलर कर रखा है, अब हमें इसका कलर करना है, डूनर है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो, फॉर्मेट शेप के ऊपर आप, और सीधा ये वाली इंटरफेस ओपन हो जाती है।
तो इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, फेस आप सेट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फील के ऊपर आना है, ग्रेडेड फील है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक नंबर कलर में आपको व्हाइट कलर रखना है और दो नंबर कलर है आपको क्या करना है, यहाँ से रेड करना है, रेड कलर ले लें, इस प्रकार से ले लें। इसकी जो लाइन कलर है उनको नो लाइन रखनी है। फिर वापस से उसके ऊपर फील में आना, ग्रेडेड फील वापस वहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नंबर है इसके ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा का पूरा यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको सेंड्रेट कर देना है आप पूरा पूरा यहाँ से। तो ये जो हमारा जो कलर है यहाँ से मिट जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको करके बताता हूँ, ये रेड वाला कलर है, इसको मैं अगर 100 पर करूँगा तो ये रेड वाला कलर नहीं दिखेगा उनको। तो इस प्रकार से मुख्य है वो व्हाइट वाला कलर नहीं दिखाना ये पीछे से, क्योंकि ये एन और ए के पीछे से आना चाहिए इस प्रकार से। तो ये अगर आपके प्रॉपर नहीं आए तो आप क्या करना, ये एंगल है, एंगल आपको चेंज करते हैं, आप चेंज करते रहना, 100-90 आप जितना चाहो वो आप चेंज कर सकते हो अपने तरफ से। तो आप जितना चाहिए उतना आप चेंज करते रहो, तो हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे ज़्यादा, लगभग 90 के आसपास रखते हैं, इतना आपको कर लेना। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपने ये कर दिया, अब हमें क्या करना है, इसी का कंट्रोल सी और वी करना है, इसका कंट्रोल सी और वी हमने कर दिया, इसकी कॉपी आ गई। कॉपी आने के बाद में फॉर्मेट में जाना है, रोटेट के ऊपर जाना है, 90 डिग्री करना है, वापस रोटेट करना है, वापस 90 डिग्री कर देना, तो इसके पीछे में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं, इसको पीछे की साइड भेज देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ से ये पीछे की साइड चला गया और यहाँ पे क्या है, हमको आगे की साइड दिख रहा है। तो अब हमें इसको पूरा का पूरा सेट करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए भी हम क्या करना है, वापस से फॉर्मेट सेट में जाएंगे और 3D रोटेशन ऑप्शन करेंगे, तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या करना है, फील में जाना है, ग्रेडेड में, यहाँ पे आपको क्या करना है, रेड की जगह आपको ब्लैक देना है, तो हम यहाँ से ब्लैक कलर दे देते हैं, इस प्रकार से ब्लैक कलर आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, पूरा का पूरा सेट करना है, इसको पहले सबसे पहले सेट कर देते हैं, इस प्रकार से हम सेट कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से देखो सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेना, फिर शिफ्ट को दबा के रखना, एन के ऊपर क्लिक करना और के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे और ये दोनों बचेंगे। अब हमें इनको क्या करना है, यहाँ पे 3D देना है इनको, तो इनको राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप में जाते हैं वापस से, और यहाँ से आपको फॉर्मेट शेप दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आप इनको क्या कर दो, सर्किल कर दो, ये दोनों इस प्रकार से दिखेंगे। तो इनको फिर से आपको क्या करना है, किसी एक के साइड में क्लिक करके, एक के ऊपर क्लिक करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, इस प्रकार से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप क्या करना है, डिजाइन में जाना है, यहाँ से कोई भी एक आप कलर चूज कर सकते हो जो आपको स्टाइल अच्छी लगेगी, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो आप डिजाइन की स्टाइल ले सकते हो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एन के का नाम डिजाइन कर सकते हो, वो भी पावर पॉइंट के अंदर 3D। तो अगर आपको अभी आपको ये आज वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया हो, अगर कुछ भी आज सीखने को मिला, तो प्लीज दोस्त हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।